हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ITR का स्टेटस और TDS रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। इस वीडियो में सभी तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ तरीके बहुत ही अच्छे हैं और कुछ तो रेयरली हम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीजों को भी बता दूंगा, ठीक है। ध्यान दे रहा है, डेमो के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग असेसमेंट ईयर का यूज किया हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको फोकस करना है प्रोसेस पर। जो भी प्रोसेस हम यहाँ पर दिखाएंगे, आपको असेसमेंट ईयर 2022-23 हो, 23-24 हो, 24-25 हो या फ्यूचर का कोई भी असेसमेंट ईयर हो, यही प्रोसेस आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। जल्दी से वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन तरीका है, आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करके रखिए इनकम टैक्स पोर्टल पर। जब भी आपका ITR किसी प्रोसेस में जाता है तो सबसे पहले अपडेट आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आता है, और ईमेल पर तो सबसे तेज आता है। ITR आप सबमिट करते हो तो सबमिशन का भी मेल आता है, ITR आपका प्रोसेस हो जाता है, रिफंड आ गया है या डिमांड है उसका भी मेल आ जाता है, तो सबसे तेज तरीका है। उसके बाद सेकेंड मेथड की हम बात करेंगे, जिसको ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से जब होम पेज पर आ जाते हो, क्विक लिंक्स का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है लेफ्ट साइड में। नीचे जाओगे स्क्रॉल करके, एकदम नीचे अभी आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है नो योर रिफंड स्टेटस। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको पैन नंबर इंटर करना है, उसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर जो करेंटली आपके पास अवेलेबल होगा वही इंटर करिएगा, क्योंकि OTP भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, जैसे कि असेसमेंट ईयर 2023-24। हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2023-24 नहीं बल्कि 2022-23 सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि रिफंड आने के बाद किस तरीके से स्क्रीन दिखाई देता है। सारा डिटेल भरने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल OTP का पेज आ गया था, जो हमें मोबाइल नंबर पर OTP आया था हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आपको स्टेटस दिखाई देता है। मुझे एक बात अच्छा नहीं लगता कि पोर्टल पर जितने भी स्टेटस वाले लिंक दिए गए हैं सब पर बहुत ही लिमिटेड स्टेटस का यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, बहुत ही लिमिटेड। दोस्तों, इनकम टैक्स से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस वहां पर अवेलेबल है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन भी आ जाता है, होम पेज पर ही आपको ऊपर लॉगिन का बटन दिखाई देता है, क्लिक कर देना है। लॉगिन का पेज आ गया है, पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड पर हम आ जाते हैं। डैशबोर्ड पर आपको यहाँ पर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डिटेल कम है लेकिन प्रोसेस यहाँ पर ही आपको दिखाई दे जाता है। अब प्रोसेस का ज्यादा डिटेल जानने के लिए आपको जाना है ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और फिर यहाँ पर है व्यू फाइल रिटर्न्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई दे जाता है आपके ITR का। यहाँ पर आपको हर एक स्टेप का स्टेटस दिखाई दे जाता है कि किस तारीख को कौन सा प्रोसेस हुआ है, ठीक है। यहाँ पर व्यू मोर का आपको एक लिंक दिखाई देगा, क्लिक करिएगा तो पूरा A to Z सब कुछ यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई दे जाता है। कब आपने ITR फाइल किया, कब ई वेरिफिकेशन हुआ है, कब आपका ITR प्रोसेस हुआ है और कब रिफंड इश्यू हुआ है। तो ITR स्टेटस चेक करने का ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, NSDL की वेबसाइट पर आप रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हो। NSDL का वेबसाइट जो है थोड़ा सा लेंदी है, तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। क्या सर्च करना है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, NSDL रिफंड स्टेटस, और आपको इंटर मारना है। यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन ही दिखाई दे जाएगा, वेबसाइट का URL आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से रिफंड ट्रैकिंग का पेज आ जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आपको पैन नंबर इंटर करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है किस असेसमेंट ईयर का चाहिए, और फिर कैप्चा कोड इंटर करना है, और फिर प्रोसीड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से आपको स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपका पेमेंट चले गया है, क्रेडिट हो गया है बैंक खाते में, तो इस तरीके से लिख के आएगा। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट दिया गया है, रेफरेंस नंबर दिया गया है, स्टेटस देखिए, रिफंड इज ऑलरेडी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, कौन से अकाउंट नंबर में हुआ है उसका आखिरी का 4 डिजिट दिखाई दे रहा है, और किस तारीख में हुआ है वो भी हमें दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से हम ITR का स्टेटस और रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।